अनु आती है और अपने भाई से पूछती है, क्या तुम्हारी भाभी से कोई नाराज़गी चल रही है? पहले तो तुम्हारी भाभी से बहुत दोस्ती थी, अब क्या हुआ? विकास कहता है, जॉब की वजह से बस टेंशन है और कुछ भी नहीं है, मुझे तो किसी से भी बात करने का टाइम नहीं मिलता। गुड़िया के पापा आते हैं और कहते हैं, पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल दिया, सारी रात मुझे नींद नहीं आई, तुम्हें मनाने के लिए आ गया। गुड़िया कहती हैं, बाबा अब अंदर आ जाएं। अभी कहता है, कॉलेज जाना है, लेट हो रहा हूँ, फिर कभी। गुड़िया की सास अंदर आकर बताती है रूही को, तुम्हारे पापा आए हैं, गुड़िया ने तुम्हें बताया नहीं और ना ही उसने अंदर बुलाया। रूही कहती, पता नहीं, मुझे तो आएगी तो पूछूंगी। बाद अनु को बताता है कि अम्मी एक दो दिन तक शादी की डेट फिक्स करने आ रही हैं। रूही अपने कमरे में जाती है तो उसका शौहर कहता है, तुम्हें देखकर मेरी सुबह अच्छी हो गई। फिर वो रूही को कहता है, आज मैं तैयार सोच रहा हूँ ऑफिस ज्वाइन करने का। रूही खुश हो जाती है। असद ऑफिस जाता है, भाई और उसका पार्टनर बहुत खुश होते हैं और नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी असद को दे देते हैं। असद एज अ हेड नया प्रोजेक्ट डील करता है। गुड़िया घर आती है, वो आकर ढूंढती है, उसे क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। अनु पूछती है क्या हुआ है, गुड़िया बताती है। गुड़िया से कहती है, ये कार्ड कहीं नहीं घुमा, रूही के कमरे में ही होगा, ये रूही का काम है, तो मेरे कहने पर एक बार उसका कमरा चेक कर लो। रूही चाय लेकर आती है, अनु रूही को कहती है कि गुड़िया की चाय उसके कमरे में दे दो। माँ बेटियाँ कहती हैं, अब मज़ा आएगा जब गुड़िया उसके कमरे में उसके कमरे की तलाशी ले रही होगी और रूही देखेगी जाकर। गुड़िया को रूही के कमरे से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। रूही कहती है, मुझे नहीं पता ये कब और कैसे आया। गुड़िया कहती है, बस करें, आप भी, आप किसी भी हद तक जा सकती हैं, मुझे यकीन नहीं था। आप रिश्ते बदलते ही आप भी बदल गई, मुझे यकीन नहीं आता आप मेरी वही आपी हैं, मुझे नीचा दिखाने के लिए आपने ये सब किया है ना। असद फरहाद को बताता है कि न्यू प्रोजेक्ट मुझे दे दिया है डील करने के लिए। फरहाद कहता है, अपने भाई को दे दिया जिस चीज़ पर मेरी नज़र थी। रूही अपने बाबा को कॉल करती है और बताती है कि पता नहीं ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बहुत परेशान हूँ। भी उसे तसल्ली देता है। रूही कहती है, अनु तुमने ये सब कुछ किया है। अनु चीखने लगती है, रूही पर साथ ही देखती है उसका भाई है, मासूम बनने का ड्रामा करती है। रूही अनु को कहती है, तुम चलाक और मक्कार हो। असद आते ही गुस्से में रूही के मुंह पर थप्पड़ मारता है। गुड़िया कमरे में आती है अपनी बहन के पास, उसकी बहन कहती है, अब क्या करने आई हो? मैं खुद गर्ज लालची मक्कार हूँ, घर का होल्ड मेरे हाथ में आ जाए इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम ठीक कहती हो, तुम्हें मुझ पर नहीं अनु पर यकीन है, मेरे कमरे से चली जाओ।